मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी। मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो 2023 में ब्रेजा सीएनजी मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी का खुलासा किया है। ग्रैंड विटारा, मारुति ग्रैंड विटारा के बाद ये कंपनी की दूसरी सीएनजी एसयूवी है। ऑटो एक्सपो में पेश होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द ही इसकी कीमतों का भी खुलासा करेगी। 27 किलोमीटर माइलेज का दावा ब्रेजा सीएनजी को ग्रैंड विटारा के जैसा ही 1.5 लीटर पेट्रोल सीएनजी इंजन मिलता है। ये इंजन 88 बीएचपी की पावर और 121.5 एनएम का टार्क जनरेट करता है। सीएनजी वेरिएंट में इसे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ लाया जाएगा। माइलेज की बात करें तो कंपनी ने ब्रेजा सीएनजी में 27 किलोमीटर की माइलेज मिलने का दावा किया है। कंपनी ब्रेजा के VXI और ZXI वेरिएंट को सीएनजी ऑप्शन दे सकती है। ये दोनों वेरिएंट इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक एसी, 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रियर पार्किंग कैमरा, ESP और हिल होल्ड असिस्ट जैसी सुविधाओं के साथ आते हैं। मारुति ब्रेजा सीएनजी की कीमत अपने संबंधित पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में लगभग 1 लाख रुपए अधिक होगी। वर्तमान में नई जनरेशन ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 7.99 लाख रुपए से लेकर 13.98 लाख रुपए तक की है। वर्तमान में ऐसी कोई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है जिसमें सीएनजी का विकल्प मिलता हो। इसके साथ मारुति के पास अब बिक्री के लिए 13 सीएनजी कारें हैं, जिनमें ऑल्टो 800, ऑल्टो आर, सेलिरियो, स्विफ्ट डिजायर, बलेनो, ग्रैंड विटारा, XL6 और आर्टिगा शामिल हैं। मारुति ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी बहुप्रतीक्षित 5-डोर जिमनी एसयूवी मारुति जिमनी का भी खुलासा किया है, जिसका मुकाबला महिंद्रा थार से होगा। इसके साथ ही कंपनी ने एक बिल्कुल नई फ्रॉन्क्स एसयूवी को भी दर्शकों के सामने पेश किया है। यह एक क्रॉसओवर एसयूवी है जिसका डिजाइन बलेनो पर आधारित है। कंपनी ने जिमनी और फ्रॉन्क्स की बुकिंग ऑनलाइन और डीलरशिप के जरिए शुरू कर दी है।